जी वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं और आज हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ यहाँ पे अपने स्टूडियो में और हमारे साथ वो बच्चे भी हैं जो थैलेसीमिया से मुतासर पेशेंट्स हैं और साथ ही साथ डोनर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और जाने से पहले ब्रेक पे हमारे साथ जो हमारे रैपर्स हैं उन्होंने भी प्रॉमिस किया है कि वो भी डोनेट करेंगे ब्लड। और किसी एक शख्स का जो ये अमल है, जो आपका डोनेशन है आपके ब्लड का, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मगर एक बच्चे को ज़िंदगी मिल जाएगी। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अगर आप एक लम्हे के लिए सोचें। तो ख़वातीन हज़रात, इस वक्त ये चीज़ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी कि जब हमारी ये कैंपेन डिज़ाइन की जा रही थी तो हमने बहुत सारे लोगों को SMSs किए, इनविटेशंस भिजवाए, फ़ोन कॉल किया, फेसबुक के ऊपर लोगों को इन्वाइट किया, मगर एक मेरा बहुत ही इज़ लाइक माई ब्रदर ऑल्सो, ही इज़ लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड ऑल्सो, उनको मैं करना भूल गई मैसेज। और मैंने कल रात को मैसेज किया एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे इतनी जल्दी ठक करके आगे से रिस्पॉन्स मिला। इतना अब्रप्ट और इतना जल्दी से रिस्पॉन्स किसी ने नहीं दिया जितनी जल्दी शख्स ने दिया। और कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने अमल ही से बताते हैं कि वो कितने बड़े हैं, और वो बड़ा शख्स जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड टू हैव हिम हियर। वो इस कैंपेन का हिस्सा बने और अल्लाह मियां इनको जज़ा दे। हमारे साथ हैं नूरुल हसन। अस्सलाम वालेकुम। वो किसी इनविटेशन की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि आपकी तो कैंपेन टीवी पे चल रही थी, तो वो सबके लिए था इनविटेशन, सो नो SMS वाज नीडेड। आई नो, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अब आप क्योंकि यहाँ पे आ गए हैं तो आप हिस्सा हैं। अब मैं कम बोलूंगी, अब आप ज्यादा बोलेंगे। आप ही कहें। और आपका बहुत शुक्रिया उरूज इस इनिशिएटिव का, और ये ऐसा काम है जो हम सबको करना चाहिए। और अगर डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि साल में बहुत आराम से आप 2 दफ़ा खून जो है वो अपना दे सकते हैं, आपकी सेहत और बेहतर होती है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आई थिंक। मैंने तो सुना कि 4 माह के बाद भी दिया जा सकता है। अगर 3 बार हो, हाँ जरूर कंफर्म। इनकी यही तो इन्फॉर्मेशन अब हमने आप लोगों को देनी है। वो लोग जो बहुत डरते हैं खून देने से और वो लोग जो बहुत घबराते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो फेंट हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। हमारे साथ जो हमारी पहली बहुत ही ऑनरेबल, हमारे लिए बहुत ही मोहतरम हमारी गेस्ट मौजूद हैं, इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी में टीच करती हैं और थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के लिए वॉलंटरली काम करती हैं। ख़ास तौर पे जो इनकी इनका जो खासा है काम का, वो प्रिवेंशन साइड है, किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है इस बीमारी से लोगों को, उस हवाले से अवेयरनेस देती हैं और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के हवाले से बहुत काम करती हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर यास्मीन एहसान। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अभी हम आपसे बात करेंगे और हम चाहेंगे कि वो लोग जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं खून देने के हवाले से और इस डिज़ीज़ के हवाले से, वो आप सारे क्लियर करें। उनके साथ जी हमारे साथ बैठे हैं थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल मुनीम खान साहब। वेलकम टू आवर शो। बहुत आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है इस सारी चीज़ के अंदर। हमने मिल के जो ये एक बेड़ा उठाया अपने सर, और इंशाल्लाह इसको दुआ हमारी है कि इसको हम कंटिन्यू करें। और इसको किसी के ऊपर ये कोई एहसान नहीं है, हम इसलिए नहीं कर रहे कि दुनिया को दिखाएं कि हम ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग इस चीज़ को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये हम सब का फ़र्ज़ है। तो डॉक्टर साहिबा, आपसे मैं बस ये पूछना चाहूँगी कि सबसे पहला वही सवाल कि वो लोग जो बहुत डरते हैं कि हमने खून दे दिया तो हम थोड़ा थोड़ा, वैसे मैं भी डर रही थी वादा तो कर लिया मैंने मगर डर रही थी, मगर वही बात है कि अल्लाह की ज़ात का, जब आप एक नेक काम के लिए डिसीजन लेते हैं तो वो सारा सब कुछ ठीक हो जाता है, डर खौफ। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? खून देने में कोई हर्ज नहीं है, ये आपकी जान का सदका भी है। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे जिस्म में जो खून मौजूद है इसमें सुरख खुलिये मौजूद होते हैं। बेसिकली ये सुरख खुलिये जो हैं इनकी अपनी तबई ज़िंदगी जो है वो सिर्फ 120 दिन है। नए खुलिये बनते रहते हैं हमारी बोन मैरो में और पुराने खुलिये जो हैं वो 120 दिन की ज़िंदगी पूरी करके वो ख़त्म होते रहते हैं। और एक ये हमारे जिस्म में सिलसिला चलता रहता है। हमारी बोन मैरो जो है वो इस काबिल होती है कि वो हर दफ़ा नए बना रही है, और वो सेल्स जो हैं वो एक अपनी एज के हिसाब से चल रहे होते हैं। जैसे बच्चा छोटे से बड़ा होता चला जाता है, इसी तरह ये सेल्स भी छोटे से बड़े होते चले जाते हैं। और अगर हमने खून दे दिया है, जिस तरह अभी नूर साहब ने भी फरमाया कि आप 6 महीने बाद, और आप कह रही नहीं 4 महीने बाद भी दे सकते हैं, तो इन खुलियों की ज़िंदगी सिर्फ 120 दिन की है, उसके बाद नए खुलियों ने तो ऑटोमेटिक उनकी जगह ले लेनी है। अगर आप खून अपना देते हैं
किसी को भी, तो उसमें यह कि हमारी बोन मैरो को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि थोड़ा सा खून निकल गया, थोड़ा मजीद तेजी से बना दो। अच्छा। तो विद इन 24 आवर्स वो बोन मैरो जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो नए सेल्स जो हैं जिन्होंने कुछ दिन बाद आना था वो कुछ दिन पहले हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं। और हम फौरी तौर पे, क्योंकि खुदा ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि वो किसी चीज़ की कमी रहने नहीं देता है, जहाँ हमें जिस चीज़ की जब ज़रूरत होती है वो हमारी पूरी फौरन हो जाती है, तो वो नए सेल्स आ जाते हैं और आपको एक सेहतमंद, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा तवाना और ज़्यादा अच्छा खून मयसर होता है। पुराने सेल्स जल्दी निकल गए, नए सेल्स जो हैं एक्टिव जो हैं वो रोल अदा करने पहले आ जाते। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं और ये भी कहते हैं, अभी मैं मेकअप रूम में थी तो वो हमारे एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, इंशाल्लाह वो देंगे ब्लड, तो वो मुझे कहते हैं मैडम मैंने ये सुना है कि आप ब्लड अगर देते हैं तो आप थोड़े अरसे के बाद जो है ज़रा फैल जाते हैं, यानी मोटे हो जाते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है? इस तरह की बिल्कुल की भी कोई बात नहीं है। हमारे खून में जो अज्जा शामिल हैं उसमें खुलिए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया सुरख खुलिए, सफ़ेद खुलिए और प्लेटलेट्स हैं, इसके अलावा थोड़ा सा पानी जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं वो, इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जो हम दें या हम लें तो हम उससे मोटे हो जाएंगे। ना खून देने से आपका वजन बढ़ेगा, ना खून लेने से आपका वजन बढ़ेगा। अच्छा, कि सिर्फ ये जान लिया जाए कि किन लोगों को खून नहीं देना चाहिए, मतलब एहतियात किन को करनी चाहिए, तो उनमें कौन कौन? हम यूजुअली जो खून लेते हैं वो है 16 साल के बाद, आप 16 साल की उम्र के बाद आप खून दे सकते हैं और 50 साल की उम्र तक आप अपना दे सकते हैं खून। वो लोग जो खून नहीं दे सकते, जिस तरह जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, या जिन्हें एड्स की बीमारी है, या जिन्हें जैसे हमारे मुल्क में मलेरिया बहुत कॉमन है, मलेरिया की है, नहीं टाइफाइड, मलेरिया की जिन्हें है, क्योंकि ये आपके खून में जरासीम मौजूद रहते हैं और ये आगे मुंतकिल होकर वहाँ पर भी एक्टिवेट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से आप, अगर आपको ये खुदा ना खासा तकलीफ है, तो वैसे अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कोई खुराक की कमी है या कुछ इस तरह, लेकिन अगर आप बिल्कुल माशाल्लाह सेहतमंद और हेल्दी हैं और अपनी रोज़ाना की आप अपने कामकाज कर रहे हैं, मींस कि यू आर नॉर्मल, और आप हर 6 महीने के बाद, मैं समझती हूँ, खून दे सकते हैं। और खून की मकदार जो हमारे जिस्म में मौजूद है वो तकरीबन 5 से 6 लीटर है। अच्छा, और अगर हम एक वक्त में किसी का खून लेते हैं तो वो हम सिर्फ 450 cc यानी आधे लीटर से भी हम कम लेते हैं। तो अगर आपने एक आधा ग्लास पानी का पहले पी लिया है और खून देने के बाद आप एक आधा ग्लास पानी का और पी लेते हैं, मींस के जो आपका 450 cc हमने लिया है वो वहीं आपका ब्लड वॉल्यूम दोबारा रीगेन हो गया है। हमारे साथ रहिएगा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी देनी है और यहाँ पर मौजूद बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं। आई थिंक हर बच्चा जो है वो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है अपने आप में। ब्रेक लेनी है जी, मुलाकात होती है इस ब्रेक के बाद।